सभी बहनों और भाइयों, परम गौ भक्त माना बाबा किस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली दो बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या है ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान